प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल फंडा फाइव। आई एम पूनम गुप्ता और एक बहुत बड़ी सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़ है 12th क्लास के 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के। चलिए जानते हैं इसको डिटेल में। तो बच्चों, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, पढ़ना आपने शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या डिसीज़न लिया। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई ने पूरे सिलेबस को दो हिस्सों में बांट दिया है और नया सिलेबस जल्दी से ही आपके पास आ जाएगा कि किस टर्म में कितना सिलेबस आएगा। इसका मतलब साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कोरोना संकट को देखते हुए सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए एक नया अरेंजमेंट किया है ताकि बच्चे पूरी तरह से पेपर दें और अपने टैलेंट के बेस पर पास हों। अगर दोनों टर्म होते हैं बच्चों तो 50-50% हर टर्म में आएगा, ठीक है। तो बच्चों, पहली परीक्षा नवंबर दिसंबर में कराई जाएगी जिसके लिए 50% सिलेबस आएगा और सेकंड टर्म की परीक्षा मार्च अप्रैल में होगी, इसमें भी 50% का सिलेबस आएगा। लेकिन इसके लिए भी कंडीशंस हैं। पहली तो ये कि बोर्ड जो है, जैसा स्टूडेंट परफॉर्म करेंगे, उनके इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट और जो आपके फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम होंगे, उन सब को ऐड करके फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट मार्क्स तैयार किए जाएंगे। इसी तरह से सेकंड टर्म के मार्क्स तैयार किए जाएंगे और दोनों को प्लस करके, दोनों को जोड़कर उनका आपका रिज़ल्ट निकाला जाएगा। लेकिन कंडीशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कोरोना के चलते हुए आपका फर्स्ट टर्म हो ही ना, तो फर्स्ट टर्म की वेटेज कम कर दी जाएगी और सेकेंड टर्म की वेटेज ज़्यादा कर दी जाएगी। लेकिन एग्ज़ाम होगा ज़रूर। ये एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होगा और अगर कोरोना की वजह से सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं होता तो आपको घर से करके देना होगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड टर्म का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, यानी कि उसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे, केस स्टडीज़ आएंगी, और अगर वो भी नहीं होता तो वो भी आपको घर से करके देना होगा। लेकिन किसी वजह से अगर एग्ज़ाम नहीं होते तो आपको घर से तो करके देने ही हैं, साथ में आप ऑनलाइन क्लास कितनी लेते हैं, अपने असाइनमेंट कितने समय पे पूरा करते हैं, डेली क्लास में पार्टिसिपेट कैसा करते हैं, इन सब के ऊपर भी आपके नंबर दिए जाएंगे। ये सब मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट में काउंट होंगे। तो बच्चे सावधान हो जाइए, और आप देख भी रहे हैं दो साल से रिज़ल्ट में इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिल रहे हैं, तो पहले की तरह बिल्कुल नहीं करना है। आज से ही आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है और याद रहे, कोई भी ऑनलाइन क्लास किसी को मिस नहीं करनी है। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी काम आपको दिया जाएगा, आप तुरंत उसको सबमिट करेंगे, अपनी क्लास में पार्टिसिपेट भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया, जैसा ही नया सिलेबस आएगा मैं आपसे फिर मिलूँगी नए सिलेबस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और ये अच्छे से समझ लीजिए कि रेगुलरली आपको ज़रूर पढ़ना है, तभी आपके नंबर आ पाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। खूब पढ़िए, मेहनत करिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें ताकि सभी बच्चों को पेपर का पैटर्न पता लग सके और वो लगातार पूरी मेहनत के साथ अच्छे नंबर ला पाए।